हाय गाइज, राजेंद्र टेक्निकल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे पास वीवो V5S मोबाइल आई है जो कि इसमें पासवर्ड लगा है। आज हम आपको पासवर्ड हटा के दिखाएंगे, वो भी आसान तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे इसमें पाइटन लॉक लगाओ, चाहे फेस, चाहे पासवर्ड कोई भी लॉक लगाओ, आप आसान तरीके से घर बैठे पासवर्ड या पाइटन को हटा सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं पावर की, आपको पावर की दबा के पहले मोबाइल को ऑफ कर देंगे। देखते हैं यहाँ पर पावर ऑफ लिखा है, आपको पावर ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है और कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, और हमारे अगर चैनल पर अगर पहली बार आप आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर डाउन अप बटन है और डाउन और पावर की है। पहले आपको क्या करना है, ऊपर वाले बटन को दबा कर रखेंगे ऐसे। इसके बाद आपको पावर की दाब देनी है, लाइट आने के बाद आपको पावर की छोड़ देना है। देखते हैं लाइट आ गई है, हम पावर की छोड़ दिए और ऊपर वाले बटन को पकड़ के रखना है। देखते हैं आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसके बाद आपको ऊपर वाले बटन को छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखते हैं यहाँ पर लिखा है वाइप डाटा। इसके बाद क्या करना है, आपको बीच वाले बटन से आपको वाइप डाटा पे लाना है। इसके बाद आपको पावर की दाब देनी है, इसके बाद दोबारा फिर आपको वाइप डाटा पे लाना है, इसके बाद आपको पावर की दाब देनी है। देखते हैं इसमें जो है पासवर्ड फिर मांग रहा है। आपको क्या करना है, आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी और एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, ले चल के हम आपको ये पासवर्ड हटा के दिखाएंगे। चलिए देखिए, मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पर देखते हैं हमारा जो है मिरेकल क्रैक वर्जन है। अगर आपके पास नहीं है, हमें कमेंट में कह देंगे तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप आसान तरीके से लोड कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके इसको आपको रन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यस मांग रहा है, यस कर देंगे। देखते हैं हमारा जो है मिरेकल क्रैक वर्जन है ये ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल को पहले ऑफ़ कर देंगे। ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है 8127 वाले पे। इसके बाद आपको यहाँ पर वीवो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर यस और नो मांग रहा है, आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको मोबाइल को ऑफ कर देंगे। इसके बाद आपको ऊपर वाले बटन को अप बटन को दबा कर रखेंगे। इसके बाद आपको डाटा केबल लगा देना है। देखते हैं हमारा जो है बूट ले चुका है, 8 वाला बूट है। थोड़ी देर हम वेट करेंगे। देखते हैं हमारा जो है ये पाइटन रीसेट कर दिया है। इसके बाद आपको हम ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ले चल के इसको हम आपको सेटअप करके दिखाएंगे। चलिए देखिए, मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। आपको पहले क्या करना है, आपको पावर की, इसके बाद डाटा केबल निकाल कर आपको पावर की दाब देनी है। देखते हैं हमारा जो है मोबाइल ऑन हो चुका है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको इसमें वेट करना है। हम वीडियो को थोड़ा हम फास्ट कर दे रहे हैं। इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम वीडियो को थोड़ा हम पॉज करके आपको आगे दिखाते हैं। चलिए देखिए, आपको पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट, एग्री। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, दोबारा नेक्स्ट कर देना है आपको। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है,
दोबारा नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखते हमारा जो है पाइटन रिमूव हो चुका है। आई होप हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और हमारे अगर चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट जरूर कर देना भाई। कमेंट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हमको और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।